इग्नू की तरफ से सुबह सुबह ही एक नई नोटिस लेकर के आ रही है आप सबके लिए। और आज ही इस नोटिस के थ्रू आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जी हाँ, आप सबकी समस्याओं को दूर करने के लिए इग्नू ने ये नोटिस जारी किया है। क्या है इस नोटिस में और क्या है आप सबके लिए अच्छी खबर, उसके बारे में जरूर बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको एक फॉर्म भरना है और इस फॉर्म को भरने के साथ ही आपको मिलेंगे पैसे। जी हाँ, आपको मिलेंगे आपका स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप सारे कैंडिडेट को मिलना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है वो आपको काफ़ी हेल्प करती है आपके स्टडी में। और इस वजह से कैंडिडेट आपको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है इग्नू की तरफ से। आप इसको ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, और भरने का प्रोसेस हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप इसे भर सकते हैं, कौन कौन इसे भर सकता है, भरने का प्रोसेस क्या है, कितने पैसे आपको मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी इस फॉर्म के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें दस्तावेज यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको बता दूं इसकी डेट काफ़ी अभी लंबी है, और आपको इसको जमा करने के लिए आपको दो प्रोसेस है, ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। और आपको ये आपके अध्ययन सेंटर यानी कि स्टडी सेंटर में जाके सबमिट करना है। सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। दस्तावेज उन छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जो छात्रवृत्ति चाहते हैं उन सबको यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। नीचे कुछ दस्तावेज का उल्लेख किया है मैंने, जिसमें आपको उन दस्तावेजों को जमा करने की जरूरत है। जब आप इग्नू छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अध्ययन केंद्र में जमा कर रहे हैं, तब आपको ये सारी चीजों की जरूरत होगी। जैसे पहला, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर यानी फोटो। दूसरा है आपका शैक्षणिक योग्यता, आपकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, वो सारी चीज। और तीसरा है आय घोषणा शपथ पत्र यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपके फादर की इनकम, आपकी मदर की इनकम यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी जरूर बताएंगे आगे। पते का सबूत यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे जरूर है। अब एड्रेस प्रूफ के रूप में आप डाल सकते हो अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसी के साथ आप अपना पासपोर्ट और वैसे सारी चीजें जिसमें आपका एड्रेस का प्रूफ मिल सके, ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं, साथ में अटैच कर सकते हैं। छात्रवृत्ति की प्रक्रिया क्या है, आप कैसे आप इसके लिए अप्लाई करोगे। पहले जाओ और ignu.ac.in पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट आपको इग्नू छात्रवृत्ति फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट जैसे आप लेते हो, प्रिंट आउट लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, जैसे कि छात्र का नाम, कार्यक्रम का कोड, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम की लंबाई यानी कहने का मतलब ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम, और किसी भी अन्य जानकारी की जो भी उसमें जरूरत है इस फॉर्म में, उसमें आपको पूरी तरह से इसे भरना होगा। अब भरने के बाद ही आपको फिर इसे सबमिट करना है। उसके बाद फिर अपने दाहिनी और बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ IFSC कोड भरे। IFSC कोड आपको भरना होगा, जो कि आपके अकाउंट में ही आपका जो अकाउंट होता है उसमें ही आपके पास IFSC कोड होता है, आपको उसमें फिलअप करनी होती है। उसके बाद आपको जो करना है वो अपने क्षेत्र केंद्र में विविधता पूरा किया हुआ फॉर्म यानी आपने जो फिल किया है उसको आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड और जाति प्रमाण पत्र के साथ आपको वहां सबमिट कर देना है, ठीक है। इग्नू PDF प्रारूप में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की आपूर्ति करेगा। PDF प्रारूप में आपको PDF के फॉर्म में आपका आवेदन पत्र आपको मिलेगा, जो कि ये PDF है, आप देख सकते हो मैंने इसे PDF है और इस PDF के रूप में ही आपको ये मिलेगा। अगली बात है कि उनके संभावित संदर्भ के लिए इग्नू छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की जेरोक्स कॉपी जरूर से जरूर रख ले, क्योंकि आप जो सबमिट कर रहे हैं उसका जेरोक्स आपके पास रखना चाहिए, ठीक है। MPhil और PhD जो लेवल के जितने भी प्रोग्राम हैं उसके लिए चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी जरूर आप ध्यान रखें। आवेदकों जो भी MPhil के लिए है या फिर आपके लिए MPhil और PhD के लिए, आवेदकों के चयन या वापसी पर अंतिम निर्णय इग्नू रिसर्च फेलोशिप द्वारा लिया जाएगा और वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सबको ये नहीं मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें
चयन किया जाएगा कि आप क्वालिफिकेशंस, आपका सब कुछ डिटेल देखा जाएगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। इग्नू छात्रवृत्ति 2020-21, इग्नू छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों के पास इग्नू छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रमाण होना चाहिए। जो आवेदक छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने चाहिए। इग्नू के छात्रवृत्ति इग्नू प्रथम वर्ष के पीजी छात्रों के लिए खुली होगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही जिन छात्रों ने इग्नू मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम में दैनिक पूर्णकालीन प्रवेश प्राप्त किया होगा, आपने जो दैनिक पूर्णकालीन यानी अपने डिस्टेंस लर्निंग से भी लिया होगा, फिर भी आपको मिल जाएगा। जो छात्र पीएचडी के समूह से संबंधित है या एससी ओसी और एसटी इग्नू पुरस्कार के लिए आवेदन के लिए योग्य हो सकते हैं। आप ओबीसी है, एसटी एससी है, उन सबके लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय जो है वो अधिक नहीं होनी चाहिए 3 लाख से। तो आप अगर इन सारी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो भी आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इसको पूरा कर रहे हैं तो। जैसे कि आपको ये पूरा जो है ये आपका एप्लीकेशन, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहां से इसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसे भरिए। भरने के बाद आप जाके सबमिट कीजिए। देखिए ये कोई फेक नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट रूप से लिखा हुआ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सर्च यूनिट मैदानगढ़ी, जो कि इग्नू का हेड ऑफिस है जहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इग्नू आरएफ अवार्ड, यहाँ पे नेम ऑफ द फ्लोइंग स्कीम। अब आपको दो स्कीम के तहत यहाँ पे करना होगा, आप किस स्कीम के तहत लेना चाहते हैं। देखिए अगर आप फॉर मेल कैंडिडेट को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, और वहीं सावित्री बाई फुले फेलोशिप फीमेल्स के लिए। तो यहां से अगर आप फीमेल है तो इस पे टिक कीजिए, अगर आप मेल है तो फिर आप फर्स्ट नंबर पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर बता दूं। दूसरी है यहाँ पे आपको किस तरह भरनी है, सबसे पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोग्राम और उसके साथ एनरोलमेंट नंबर, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी टिक वन आपको कोई भी एक टिक करना है, वेदर कश्मीर माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर माइग्रेंट है, यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद आपको यहाँ पे वेदर यू आर सन डॉटर ऑफ इग्नू एम्प्लॉय, क्या आप एक इग्नू एम्प्लॉय के बेटा या फिर बेटी है, ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसमें नो पे टिक कीजिए, अगर है तो आप यहाँ पे नीचे अपनी डिटेल को प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। अगली बात है यहाँ पे कि आर यू प्रेजेंटली एंगेज्ड इन एनी रूमिनेटिव जॉब, यानी कहने का मतलब आप किसी जॉब पे अभी है, अगर यस तो पूरी डिटेल भरिए और अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ इसमें नो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सिंपली इसमें नो करके टिक करके चल जाइए, मतलब आपका यहाँ इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रोसेस है कि बेसिक डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ एग्जाम, पासिंग ईयर, एवरीथिंग आपको इसमें भरना है, किस बोर्ड से आपने किया है, पीएचडी वर्क, अगर आप पीएचडी वर्क के लिए है तो इस पर डिटेल को पूरी भरिए, कॉन्टेक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल अपना भरना है, मोबाइल, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीएनबी, ये सारी चीज है, इग्नू ब्रांच से अपना अकाउंट नंबर डिटेल, सारी चीज आपको भरनी है। और आप क्या क्या इसमें अटैच कर रहे हैं उसके बारे में जरूर लिखिएगा, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं उसको कंप्लीट रूप से टिक इन कीजिए। टिक इन करने के बाद है आप यहाँ पे डिक्लेरेशन कीजिएगा, अपना सिग्नेचर, उसके बाद रिकमेंडेशन को पूरी तरह से भरना है और भरने के बाद है आपको इसमें सबमिट कर देना। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपके लिए काफी अच्छी है ये स्कॉलरशिप, आप जरूर इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।